नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट में। किसान साथियों, कल हमारे क्षेत्र में बारिश हुई लगभग रात को 1 बजे और हमने उससे पहले ही अपने सरसों कटवा दी थी। आप देख सकते हैं, मतलब 50% हमारा काम हो चुका था और कल ही हम कटवा के गए और रात को अचानक तेज़ बारिश हुई तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ। अब किसान भाइयों, थोड़ी हवा चलने लगी है तो मैं अपने खेत पर आया हूँ। किसान भाइयों, ये बारिश थी, ये बारिश अगर 15 दिन पहले आ जाती तो जिन 50% किसानों के नुकसान हुआ उनका नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ किसान भाइयों कि जिनका नुकसान हुआ और जिनका नुकसान नहीं हुआ। तो ये सरसों जो किसान थे जिनकी फसलें पक चुकी थी वे इस बारिश से काफ़ी लॉस में रहे और उनकी फसलें खेत में ही रह गई। अब ये किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ज़मीन में से टच जो बालियाँ हैं ये सभी उग जाएगी, तो मतलब अपने फसल में ही अपने ये जो बीज है ये उगने लगेंगे। किसान भाइयों, भाव में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि वो वाला माल जो सीधा खेत से सूखा माल निकलता है वो वाली मॉइस्चर इसमें काफ़ी रहेगा और अपना फसल का दाम पिटेगा। तो किसान भाइयों, कल लगभग 400 रुपये का एक मज़दूर हमने लाया, 10 मज़दूर से हमने कटाई करवाई और आप देख सकते हैं रात को ही बारिश आ गई तो कितना बड़ा नुकसान होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा किसान भाइयों कि सिर्फ नुकसान ही हुआ है, काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। तो अगर इस खेत में अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं इस किसान के फ़ायदा हुआ है जो ये अलसी की जो खेती है, क्योंकि आपको कहीं कहीं पौधे ज़रूर गिरे हुए नज़र आएंगे लेकिन ये धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस फसल को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं अगर बात करूँ किसान भाइयों एक और नुकसान की, तो आप इस खेत में देख सकते हैं किसान भाइयों, इस किसान ने चने बो रखे थे और चने की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी और कल ही इसने भी अपने खेत में फसल कटाई की और आज पानी आ गया, तो अब इस किसान को डबल मेहनत लगेगी और चना भी ख़राब होगा। तो एक तो खेत आप ये देख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो पर बने रहना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। किसान भाइयों, जो मेथी वाले जो किसान थे जिन्होंने मेथी की फसल बोई हुई थी, उन किसानों के ये जो बरसात गई ये काफ़ी फ़ायदा करके गई है। आप देख सकते हैं ये जो पानी काफ़ी मांग कर रही थी और किसान के पास फिलहाल पानी की समस्या देखने को मिल रही थी और इस किसान को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लगभग किसान भाइयों, में अगर बात करूं इस 10 बीघे मेथी के खेत में किसान को लगभग अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और लगभग 1 लाख रुपए का फ़ायदा डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि बारिश सिर्फ नुकसान ही करती है, फ़ायदा और नुकसान दोनों करती है। किसान भाइयों, अभी तो इसमें आप फूल देख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरह से फल फूल जाएगी मेथी, तो इस किसान के लिए तो फ़ायदा हुआ। मगर मैं बात करूँ नुकसान की, इसका नुकसान जीरो है। अब तो किसान भाइयों, मैं आपको एक और खेत दिखाता हूँ चने का, जो कि फ़िलहाल फूल आ रहे थे। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं बगल में ही आपको इसमें फूल देखने को मिलेंगे और फूल और फल दोनों आ रहे थे और इस किसान को किसान भाइयों काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब इन्होंने एक पानी ही दिया था अपनी फसल में और अचानक बारिश हुई और इनका कोई पानी का और स्रोत भी नहीं था, तो इन इस किसान को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं लगभग काफ़ी किसानों को फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी को नुकसान भी हुआ, तो ये बारिश कुछ इस प्रकार की रही। किसान भाइयों, चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मैं आपको अपना गेहूं का खेत दिखाता हूं। किसान भाइयों, ये आप गेहूं का खेत देख सकते हैं। इसमें हमारे सभी गेहूं गिर चुके हैं। और किसान भाइयों, ये हमें हाथ से कटवाने पड़ेंगे। हमने सोचा था कि ये हार्वेस्टर मशीन के द्वारा, कंबाइन के द्वारा कट जाएंगे, लेकिन इनको हमें हाथ से ही काटने पड़ेंगे क्योंकि ये खड़े नहीं होने वाले। और कुछ इस प्रकार से, क्योंकि किसान भाइयों हमने इसमें ताज़ा ताज़ा पानी दे रखा था, तो इसके लिए यहाँ पर नुकसान थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। और आप चैनल पर जुड़े रहे, चैनल को नए हो पुराने हो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, किसान मित्रों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, मैं क्लेम दर्ज कराऊंगा, देखते हैं हमें क्लेम मिलता है कि नहीं मिलता है। धन्यवाद।